खिलाफ बीजेपी एक बार फिर हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने बताया कि 21 अगस्त को राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता राज्य भर में मानव श्रृंखला बनाएंगे। प्रदीप वर्मा ने राज्य सरकार की नियोजन नीति को भी ठगने वाला बताया। बीजेपी नेताओं ने कानून व्यवस्था को लेकर भी राज्य सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बीजेपी एक बार फिर से हमलावर होने वाली है और राज्य सरकार को घेरने के लिए एक मानव श्रृंखला बीजेपी की ओर से बनाया जाएगा 21 अगस्त को। तो बीजेपी एक बार फिर से हमलावर होती नजर आ रही है। नियोजन नीति और कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी एक बार फिर से सड़क उतरने की रणनीति बना चुकी है और इसी कड़ी में 21 अगस्त को बीजेपी के नेता कार्यकर्ता मानव श्रृंखला बनाएंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। तो बीजेपी की यह रणनीति किस तरीके की होगी, कैसे सब कुछ होगा, प्रखंडवार होगा, जिलावार होगा या शहरों में होगा, गांव में होगा, इसको लेकर रणनीति बीजेपी ने बना रखी है। और बीजेपी इस मानव श्रृंखला में क्या आम लोगों को शामिल करेगी, ये तमाम बातें अभी जानकारी कुछ देर में मिलेगी। और किस तरीके से सरकार पर दबाव बनाया जाएगा, क्या सिर्फ नियोजन नीति और को लेकर या फिर कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार घेरा जाएगा सरकार को भी। इक्कीस अगस्त को राज्य के सभी ब्लॉक पर मानव श्रृंखला बना करके एक राज्यव्यापी आंदोलन की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। उस पूरे आंदोलन की योजना बनी और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लाखों की संख्या में उस दिन सड़क पर उतर करके राज्य की जनता के हित में और राज्य सरकार को उनके वादे पूरे करने की याद दिलाने के लिए मानव श्रृंखला बनाने के लिए हर प्रखंड पे उतरेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि वो राज्य में फिर से लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को बहाल करे। जो वादे करके वो सरकार सत्ता में आई है उन वादों को पूरा। जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अजय लाल का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह की रणनीति बनाई है बीजेपी ने, प्रखंडवार सड़कों पर उतरेगी या फिर शहरों में या किस तरीके से ये सब कुछ होगा? देखिए पंकज, आज भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बैठक की, तमाम प्रदेश के बड़े पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद थे और एकमात्र एजेंडा राज्य सरकार पर हमलावर होना था। लगातार जैसे ही बैठक समाप्त हुई उसके बाद जो जानकारी मीडिया को दी गई उसमें तमाम मुद्दों पर राज्य सरकार को विफल बताया गया। साथ ही कहा गया कि ये सरकार ने नियोजन नीति बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाया, ऐसा भाजपा के नेता कह रहे थे। जो मानव श्रृंखला बनना है भारतीय जनता पार्टी का, उसके साथ ये कहा जा सकता है कि पूरी तरह से ये इस प्रकार से होगा कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता है कार्यकर्ता है तमाम लोग सड़कों पर उतरेंगे और इस मानव श्रृंखला में हिस्सा लेंगे। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 21 अगस्त को जो विपक्ष की भूमिका होती है उसी का पालन करना चाहती है कि लगातार सरकार पर दबाव बनाए रखे। ये उनकी एक प्रकार से कह सकते हैं कि विपक्ष का कर्तव्य भी होता है कि राज्य सरकार को हमेशा वो किसी न किसी मुद्दे पर घेरते रहे। तो क्या कुछ सत्र होगा, 21 अगस्त को कितनी भीड़ आएगी, हालांकि अभी ध्यान रखने वाली बात होगी कि अभी कोरोना का काल भी चल रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ से लोगों को परहेज करना है, तो किस प्रकार का मानव श्रृंखला होगा यह अभी देखने वाली बात होगी पंकज। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी दी। निश्चित तौर पर कोरोना काल में जब सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए नियम कानून बने हुए और ऐसे में मानव श्रृंखला आखिर
बीजेपी बनाएगी तो कैसे बनाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार को घेरते घेरते आपदा प्रबंधन के कानून का उल्लंघन कर बैठे बीजेपी, जिसका जिसे लेकर पहले भी एक बार बीजेपी के नेता सवालों के घेरे में थे, जब किसानों के साथ प्रदर्शन किया गया था खेत में उतरकर, तब भी बीजेपी ने कुछ इस तरीके से किया था कि भीड़ लगाकर बिना सामाजिक दूरी के खेतों में बीजेपी के नेता उतरे थे, कार्यकर्ता उतरे थे। और इसलिए एक बार फिर से यह अब देखने वाली बात होगी कि मानव श्रृंखला का जो निर्माण होगा वो किस तरीके से होगा। तो अजय हमारे सहयोगी ने जानकारी दी कि इसमें तमाम नेता कार्यकर्ता जमा होंगे और हर एक स्तर पर विरोध किया जाएगा, क्योंकि विपक्ष का काम ही होता है मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना। तो बीजेपी एक बार फिर से हमलावर है, एक बार फिर से सरकार को घेरने की तैयारी की गई। और इसी कड़े में 21 अगस्त से सड़कों पर नजर आएंगे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता।